Hello student, welcome to BDSK online classes. I study class 12, topic differentiability and continuity and differentiability. Students, ये most important topic है. इसमें हमें सबसे पहले continuity पढ़नी है और दूसरी बार differentiability पढ़नी है. तो continuity के लिए सबसे पहले continuous function, मतलब कोई भी function continuous कब होता है? जब वो स्टेट में होता है, ठीक है. अगर उसमें कोई भी दरार आ जाती है, यानी उसमें कहीं भी कट आ जाता है या कहीं भी क्रॉस आ जाता है, तो वहाँ पर हमारी कंटिन्यूटी फेल हो जाती है. यानी जब भी कोई फंक्शन हमारा क्या हो, स्मूथ हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो वहाँ पर कंटिन्यूटी होती है. लेकिन यहाँ पर हम कैलकुलस में कंटिन्यूटी के लिए हमें सबसे पहले दो चीज़ें जाननी होंगी, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ठीक है. राइट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स आर एफ जीरो प्लस एच, ऐसा होना चाहिए, ठीक है, या ए प्लस एच जो आपके सामने है, ठीक है. अगर हमारे पास इस तरह का फंक्शन है, यानी इसका रूट होना चाहिए, रूट रिप्लेस होना चाहिए, रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस एक्स बाई जीरो प्लस एच या ए प्लस एच, ठीक है. एंड टेक द लिमिट, एंड टेक द लिमिट यस टेंडिंग जीरो. अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें, तो हमारा लिमिट होगा लिमिट यस टेंडिंग टू ए निगेटिव एफ एक्स आर एफ ए माइनस एच, ठीक है. यानी इसके रूल में हम क्या करेंगे, रूल में रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एक्स बाई ए माइनस एच एंड टेक द लिमिट यस टेंडिंग टू जीरो यूज करते हैं, ठीक है. इस तरह से हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं. अगर हमारा कंटिन्यूटी है, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, टेस्ट फॉर कंटिन्यूटी अगर हमें देखना है, तो हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी फंक्शन जो होगा एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट यानी एस टेंडिंग टू एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, एंड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए निगेटिव एफ एक्स के इक्वल होगा. यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी हमारा फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों तीनों आपस में इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है. चलिए अब हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 5.1 जो कि हमारा डिफरेंशिएशन में कंटिन्यूअस पार्ट है, आइए देखें. क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 1, फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल 0 x इक्वल माइनस 3 एंड x इक्वल 5.
ये बताना है। तो देखिए बेटा सब स्टूडेंट, सबसे पहले फंक्शन जो हमारा एफ एक्स माइनस थ्री आई है पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल अगर कोई भी फंक्शन है तो वो कंटिन्यूस होता है। चलिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो हमें रूल फॉलो करना है, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। अगर इस रूल को हम फॉलो कर लें तो हम कहेंगे कि यह फंक्शन इन सभी वैल्यूज पर क्या है, कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, चलिए फर्स्ट फंक्शन हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री एट अ पॉइंट जीरो। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स की जगह लिखेंगे फाइव एक्स माइनस थ्री, सॉल्व करेंगे फाइव मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री, वैल्यू आएगी माइनस थ्री। ठीक है, और अगर हम f जीरो की बात करें, ठीक है f जीरो, तो फाइव मल्टीप्लाई जीरो माइनस थ्री यानी माइनस थ्री, यानी हमारा जो वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू जीरो फाइव एक्स माइनस थ्री, ये f माइनस थ्री के क्या है, इक्वल है। तो यह फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज कंटिन्यूअस। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है सेकेंड, एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस थ्री, पॉइंट हमारे पास है एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री। चलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस थ्री फाइव एक्स माइनस थ्री, चलिए वैल्यू को करें फाइव मल्टीप्लाई माइनस थ्री माइनस थ्री, सॉल्व करेंगे फाइव थ्री जब एटीन माइनस थ्री यानी माइनस एटीन। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं एफ माइनस थ्री की वैल्यू, ठीक है फाइव एक्स माइनस थ्री फाइव माइनस थ्री माइनस थ्री, फाइव थ्री जब माइनस फिफ्टीन माइनस थ्री यानी माइनस एटीन। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस थ्री या फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एफ माइनस थ्री। ठीक है, तो सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक, नेक्स्ट में हमारे पास फिर एक दिया हुआ प्रॉब्लम, यानी एफ एक्स है 5x माइनस थ्री, ठीक है एट अ पॉइंट x इक्वल टू फाइव, लिमिट x टेंडिंग टू फाइव 5x माइनस थ्री, सॉल्व करेंगे फाइव मल्टीप्लाई फाइव माइनस थ्री, फाइव फाइव जब ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री यानी ट्वेंटी टू, और f माइनस f फाइव की वैल्यू निकालें तो फाइव मल्टीप्लाई फाइव माइनस थ्री ट्वेंटी फाइव माइनस थ्री यानी ट्वेंटी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव फाइव एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एफ फाइव, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इस तरह से किसी भी फंक्शन को अगर वो पॉलीनोमियल है तो वो कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास है एग्जामिन द कंटिन्यूटी
ऑफ द फंक्शन, फंक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर टू, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² - 1, ठीक है। एट पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3, एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसे कंटिन्यूटी बतानी है, ठीक है। चलिए कंटिन्यूटी बताने के लिए मैंने अभी बताया था लिमिट x टेंडिंग टू a f x इज इक्वल टू f a। अगर ये रूल फॉलो होगा तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। चलिए लिमिट x टेंडिंग टू a की वैल्यू 3 है, फंक्शन हमारा है 2x² - 1। चलिए वैल्यू पुट करें, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 9 = 1, 17 आ गया। क्या है 17। अब अगर हम एफ ए की वैल्यू फाइंड करें, एफ ए यानी एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x² - 1, एफ थ्री इज इक्वल टू होगा 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1, 2 × 9 - 1, 2 × 9 = 18 - 1 यानी 17। तो ये भी वैल्यू यानी ए भी वैल्यू, यानी हमने क्या देखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 2x² - 1 इज इक्वल टू एफ 3 के, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू हमारी सॉल्व हो रही है, इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक। इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस क्लियर किया। अब नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम नंबर 3, ठीक है, x - 5। तो इसे हम देखते ही मान लेंगे यह एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इट हैज अ पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल, ठीक है, यह एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, पॉलीनोमियल फंक्शन। अगर कोई भी पॉलीनोमियल फंक्शन है तो मैंने आपको बताया था वह कंटिन्यूअस होगा, सो एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी का सेकंड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/(x-5), ठीक है। तो इसमें देखिए यह एक कोसाइन फंक्शन है, ठीक है। तो इसका जो यह हिस्सा है यह भी पॉलीनोमियल है, ठीक है। तो हम कहेंगे इस अ फंक्शन, ठीक है, इस अ कोसाइन फंक्शन ऑफ टू पॉलीनोमियल, ऑफ टू पॉलीनोमियल, ऑफ टू पॉलीनोमियल फंक्शन, ऑफ पॉलीनोमियल फंक्शन, ठीक है।
So fx is a continuous, fx is a continuous for r value, ठीक है, for r but x not is equal to 5, ठीक है. Next हमारा third part, fx is equal to given है x square minus 25 upon x plus 5. Solve करेंगे तो x square minus 5y square upon x minus 5. Now x minus 5 x plus 5 upon x minus 5 cancel. So x plus 5, तो x plus 5 is x plus 5 has a polynomial function, so fx is a continuous. Next problem is the fourth part. Fourth part में दिया हुआ है fx is equal to mod में x minus 5, ठीक है. तो इसे हम दो पार्ट में ले सकते हैं, पहला x minus 5, दूसरा minus x minus 5 r करके 5 minus. इस कंडीशन में x 5 के ग्रेटर होगा और इक्वल होगा, और ये x से 5 ग्रेटर होगा यानी लेस देन x होगा, ठीक है. अब इसमें हमें क्या करना है, फॉर x इज इक्वल टू 5 प्लस यूज करें लिमिट x टेंडिंग टू 5 प्लस, 5 प्लस के लिए ये यूज करेंगे x माइनस 5. नाउ 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है. नेक्स्ट हमारा है x is equal to minus 5, limit x tending to 5 minus, ठीक है, function यूज करेंगे 5 minus x, this is a 5 minus 5 is equal to 0, यानी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, left hand limit जो है, और अगर function की बात करें या 5 0 यानी 0, यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन f पर तीनों की वैल्यू 0 आ रही है. सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, सो दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, ठीक है स्टूडेंट्स. इस तरह से स्टूडेंट्स आज की टॉपिक कंप्लीट हुई, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5.1 की प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 को सॉल्व किया. कंटिन्यूअस जब भी बताना हो तो हमें बस दो चीज़ें याद रखनी है, पहला तो हमारा फंक्शन पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरा जो भी हमारा फंक्शन है उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड खुद फंक्शन तीनों इक्वल होना चाहिए, तो हम फट से कहेंगे कि वह फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, ठीक है. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.